आज की सबसे बड़ी खबर, अगर ये फ्लोर ब्रेकिंग है तो ये नथिंग बेटर देन दैट, लेकिन सिर्फ ब्रेकिंग लीजिएगा अगर फ्लोर ब्रेकिंग नहीं है तो। हमास नेताओं का सुराग बताने पर मिलेगा इनाम, ब्रेक करिए। इसराइल ने 4 हमास नेताओं पर इनाम घोषित किया। याया सिनवार के सिर पर $4,00,000 का इनाम, इनाम के ऐलान वाला पर्चा जारी किया। कतर से गायब हो चुके हमास के नेता, ब्रेकिंग एंड स्टिल्स, वो पर्चा भी है हमारे पास, ये देखिए जरा, ये देखिए। हमास का सुराग बताने पर मिलेगा इनाम, ये देखिए। याया सिनवार पर $4,00,000, और भी कई नेता है उनके ऊपर इतना इनाम घोषित कर दिया गया। सीधे आइए राहुल बगल में, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और ये देखिए जरा, आप सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर, मैं आपको दिखा रहा हूं किसके खिलाफ कितना ऐलान किया गया। ये है वो पर्चा, तस्वीरें लगा रखी है, $4,00,000, प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग दिखाइए, $3,00,000, $2,00,000, $1,00,000, ये लाश है, दाऊफ है वो, ये देखिए जरा, प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए हमारी। याया सिनवार $4,00,000, हमास का डिप्टी चीफ, 7 अक्टूबर को हमला माइंड, मास्टरमाइंड। नेक्स्ट दिखाइए, फिर मोहम्मद सिनवार, ये $3,00,000, यारवार सिनवार का छोटा भाई है ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये देखिए, राफा सलामा, ये $2,00,000, खान यूनुस ब्रिगेड का कमांडर है, इसके ऊपर इनाम है। फिर ये देखिए, मोहम्मद दाइफ $1,00,000, अल कासम ब्रिगेड का चीफ है। ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल, और ये वाली खबर दिखाइए जरा सीधे बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जो इजराइल का प्राइम टारगेट है वो है कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करना, कि इनकी जो कमांड एंड कंट्रोल सेटअप है उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए इन्होंने जो है बहुत हाई इनके ऊपर सिर पे इनाम लगाए हैं। याया सिनवार के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं $4 मिलियन की अवार्ड है, उसके भाई पे $2 मिलियन का अवार्ड है, ब्रिगेड कमांडर्स पे $1 मिलियन का अवार्ड है। और हमने देखा है कि इसके पहले भी ये अवार्ड्स ने काम किया है, लालच के मारे लोग इंटेलिजेंस देते हैं, और पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इस वक्त इसराइल को चाहिए, क्योंकि कई खबरें आ रही थी कि वो टनल्स में है, उन्होंने टनल्स फ्लड की, कि फिर वो फलाने हॉस्पिटल में है वहां, लेकिन अभी तक उनका वार खाली गया है। सर मैं आपको एक और, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बख्शी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। गाजा के रफा में इसराइल की बमबारी, सीधे दिखाइए वीडियो जरा, इसराइल का ऐलान नहीं रुकेगा युद्ध, ये देखिए वीडियो के साथ राहुल, ये देखिए, लुक एट दिस, कुवैती अस्पताल के पास बरसाए बम, अस्पताल के पास रिहायशी ब्लॉक पर बमबारी, ये देखिए जरा, हमास ठिकाने होने की आशंका में गिराए बम, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, राफा के पास बमबारी का वीडियो आया है, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, जबालिया में नहाल ब्रिगेड का सर्च ऑपरेशन, एक और बड़ा वीडियो है, हमास ठिकानों को खोज कर हमले, ये देखिए एम्बियन साहब, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, नहाल ब्रिगेड का सर्च ऑपरेशन, ये देखिए, तो ही यूनिट और हमास में कई जगह मुठभेड़, ये देखिए जरा, सर्च ऑपरेशन में 3 हमास लड़ाके मार दिए गए। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, एम्बियंस राइट वाले का, ये लीजिए, और सीधे एक वेरी शार्प एंड क्विक रिएक्शन मनीष से मिलूंगा। मनीष, अभी का स्टेटस क्या है बताइए मुझे, गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए कुछ घंटे पहले IDF की तरफ से 2 सैनिकों के शव बरामद हुए हैं, जिन सैनिकों को हमास ने बंधक बनाया था, तो और वो सैनिक वो थे जो कि उस वक्त 7 अक्टूबर के हमले में ड्यूटी कर रहे थे, जिनको ले जाया गया था, जो इतने दिनों से बंधक थे, और अब उनकी बॉडी मिली है। तो IDF को ये लगता है कि अब जो बंधक बचे हैं उनमें से बहुत सारे, कम से कम जो सेना वाले लोग थे, वो शायद ना बचे हों। तो निश्चित तौर पर जो IDF के लड़ने का जो अगर आप कहें कमिटमेंट है,
या फिर जो कन्विक्शन है वो बहुत अभी स्ट्रॉन्ग है। आप जो बता रहे हैं मनीष, एब्सोल्युटली राइट, सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं राहुल। ये वाला वीडियो जो अभी हमास के ऊपर अटैक का वीडियो है, ये दिखाइए जरा, जो हंट डाउन किया है, ये वाला वीडियो दिखाइए, ये बड़ा खतरनाक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। आमिर साहब, जीवो चलिए,